यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको नाम तो बहुत इजी लग रहा होगा, यूनिट वेक्टर, लेकिन इस नाम के अंदर पता है वेक्टर की पूरी बुनियाद खड़ी हुई है, पूरी बुनियाद। वेक्टर की दो नीमे क्या है, नीमे एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, यही तो है, और तो कुछ नहीं है वेक्टर के अंदर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है ना वो यही वेक्टर एक्सप्लेन करता है, यूनिट वेक्टर। तो प्लीज फोकस से देखिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी वेक्टर की फील्ड के अंदर, और वेक्टर सिर्फ फिजिक्स में नहीं है, मैथ में भी है, क्लास 12th में, आईआईटी नीट में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहां से बात कर रहा हूं। देखिए टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है बाय द हेल्प ऑफ कैप। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हमारे पास ए वेक्टर है जिसको हमने रिटर्न किया है उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, इट इज कॉल्ड डायरेक्शन, और यही डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो डायरेक्शन का क्या आ गया, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। यूनिट वेक्टर आपको शो कराता है डायरेक्शन किसी भी वेक्टर का। फॉर्मूला आया नहीं आया, फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो होता है मैग्नीट्यूड वो होता है यूनिट, क्या होता है यूनिट। तो आपने क्या देखा, ऐसा कोई वेक्टर जो डायरेक्शन शो करता है वो होता है यूनिट वेक्टर, जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है वेक्टर में, क्योंकि वेक्टर जो चैप्टर है ना वो क्लास 12th की मैथ में भी है और क्लास 11th की फिजिक्स में भी है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय हिंद।